संरक्षित आयात के लिए एक बताइए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मुतल्लिक शिकायत के लिए दो बताइए। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लिक शिकायत के लिए तीन बताइए। या कॉल सेंटर की नुमाइंदे से बात करने के लिए चार बताइए। वास्ता बीबी, मैं कश्मीर रोड के इलाके से बात करूं जो शायद जमशेद टाउन में आता है। यहाँ पे जो हमारी सड़क है कश्मीर रोड, यहाँ पे वाटर टैंकर्स ने बहुत रोड वगैरह तोड़ी हुई है, उसका कुछ कर सकती हैं आप हमारे लिए? सर, वाटर टैंकर्स के हवाले से आप फरमा रहे हैं? जी बीबी, वाटर टैंकर्स के हवाले से आपसे मैं गुजारिश करूंगी, बराए मेहरबानी अपने टाउन ऑफिस या यूनियन काउंसिल ऑफिस विजिट कर लीजिए। जी, और क्या मैं आपको सिर्फ आपके पास कंप्लेंट कर सकता हूँ? अगर आप उसको डील कर लीजिए, मेरे लिए तो जाना मुमकिन नहीं होगा। सर देखिए, इस हवाले से मैं आपको बता दी चलूँ कि हो सकता है कि टाउन ऑफिस या यूनियन काउंसिल ऑफिस से परमिशन वगैरह ली गई हो। नहीं, मैं तो अर्ज कर जी बीबी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो जो वाटर टैंकर्स है उनकी वजह से रोड टूटी हुई है, उसका कोई इलाज है? जी, रोड की कंप्लेंट सर मैं बिल्कुल फॉरवर्ड कर सकती हूँ, लेकिन टैंकर्स के हवाले से आपको अपने यूनियन काउंसिल ऑफिस या टाउन ऑफिस विजिट। मैं समझ गया, जो रोड टूटी हुई है वो कश्मीर रोड के ऊपर काफी उनकी वजह से, उसकी कंप्लेंट ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, मैं आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर रही हूँ। जी, मुझे अपना नाम बताइए। जी, मुझे फैसल कुरैशी कहते हैं। तौसीफ कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी, ये भी कश्मीर रोड है जहाँ तक मेरा ख्याल है जमशेद टाउन लगती है। और यूनियन कौन सी लगती है इस पे? ये तो मुझे नहीं पता। कश्मीर रोड आप फरमा रहे हैं? जी, कश्मीर रोड आपने फरमाया है सर। अख्तर कॉलोनी लगती है क्या यहाँ पे? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल लगती है। आप तो अपना हाउस एड्रेस बताइए। 73 मुस्लिमाबाद। 73 मुस्लिमाबाद? जी बीबी, 73 मुस्लिमाबाद। और कोई ब्लॉक या सेक्टर वगैरह है? नहीं, इसकी सड़क का नाम है बेगम आयशा अजीज रोड। बेगम आयशा अजीज रोड, जहाँ पे ये टीचर पे सिंह सरकार है? जी बिल्कुल, आयशा अजीम रोड। आयशा अजीज रोड, आयशा अजीज रोड। इसकी रोड पे कोई मशहूर जगह हो तो उसका नाम बता दीजिए। बस बीबी, यहाँ सामने मंगल बाजार लगा करता था, चाइना ग्राउंड है यहाँ। चाइना ग्राउंड है जी। आप ना कोई फोन नंबर देना चाहेंगे सर? जी लिख लीजिए, 0323 0323 266 966 4950। जहाँ पे आपकी रिहाइश है कोई ब्लॉक सेक्टर वगैरह है? नहीं बीबी, बस इतना ही पता है, 73 मुस्लिमाबाद का बस। अच्छा जी, आप चल रहे हैं हमारे साथ लाइन पर, मैं आपको आपका कंप्लेंट नंबर प्रोवाइड करूँगा। जी बीबी, बहुत शुक्रिया। नोट कर लीजिए। जी फरमाइए। सबसे पहले आपकी डेट नोट कर लीजिएगा, 19 जून 2008। बेहतर। और आपका कंप्लेंट नंबर है 379। बहुत शुक्रिया बीबी, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया श्री जी के कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो है पहला तजर्बा है जिंदगी में मेरा, असली तौर पे ई गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिकली सरकार या कोई भी महकमा जो है अपने काम को ऑटोमेट करता है। इस बारे में सुना तो था कि 1339 कराची में एक नंबर है जहां फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। ये हमने फोन किया और ये हकीकत है कि बगैर इनको इतला किए हुए किया, और शायद इसीलिए जो सिस्टम की कोई कमजोरी है तो वो भी आपने देखी कि यकीनन कराची जैसे शहर में ये अभी सिस्टम शुरू हुआ है, उनका डेटा एक्सटेंसिव होते 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 वक्त लगेगा, डेटा बिल्ड होता है। लेकिन जो बात तारीफ के लायक है, बात करने का तरीका, लहजा, उन्होंने मेरी कंप्लेंट फिर भी ली और लेके उसको ये कहती हैं कि फॉरवर्ड की। लेकिन फॉरवर्ड की कहां, इसको थोड़ा सा ट्रेस करते हैं कि कंप्लेंट गई कहां। ये पीछे कंप्यूटर है, देखते हैं शायद इसमें आई हो, अगर आई हो तो फिर हम वहां से देखते हैं गई कहां। हमारे साथ एक लम्हा रहिए जरा। ये एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिसपे अगर मेरी जो कंप्लेंट अभी मैंने की थी वो देखें आप, 19 जून 2008 1:46 पे ये कंप्लेंट, रिपेयर्स रीसर्फिसिंग ऑन द रोड, इन्होंने इस कंप्लेंट को इश्यू कर दिया। और इस वक्त 1:54 हुए इस घड़ी में, यानी
मुझे इस स्क्रीन को खोलने में 5-4 मिनट लगे, लेकिन ये रियल टाइम में माशाल्लाह ये यहां कंप्लेंट पहुंच गई। लेकिन ये जो स्क्रीन है इसको देख कौन रहा है? असल बात जो है कमाल की वो ये है, क्या ये वो कंप्लेंट सेंटर की स्क्रीन है या वो यूसी के जो नाजिम है उनकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है किसकी? और जो शख्स इस ई गवर्नेंस के पीछे है वो कौन है? वो आइए हम आपका तारुफ कराए देते हैं। ये जो कंप्यूटर स्क्रीन हमने आपको दिखाई जिसके ऊपर मेरी जो कंप्लेंट थी वो दिख रही थी रियल टाइम में, वो कॉल सेंटर के सुपरवाइजर या किसी छोटे अफसर या किसी ऐसे शख्स की नहीं जहां पे ये कंप्लेंट दफन हो जाए, बल्कि ये कंप्लेंट रियल टाइम में कराची के सिटी नाजिम के दफ्तर में पहुंची। और अजीब जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि सिटी नाजिम साहब इस कंप्लेंट को देखते भी हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। खुशनसीबी मुस्तफा कमाल साहब आपने फिर वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी आप ज्यादती कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसी चीजों की आदत नहीं है और हमारी आदतें बिगड़ जाएंगी। ये सिर्फ आप आदत बिगाड़ रहे हैं या इसके साथ कुछ करेंगे भी? मैं आदत बिगाड़ भी रहा हूं और अपने आइंदा मेरे बाद आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा हूं। और मेरा ये ख्याल है कि इनफ है जनाब, और हमें जो है वो रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम किसी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पाकिस्तान को नहीं चला रहे, पाकिस्तान ने कायम दायम रहना है, पाकिस्तान ने आगे चलना है। अगर हम बेसिक्स अपनी चीजों को अपनी अपने 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 कौम अपनी नेशन को डेवलप नहीं करेंगे, नेशन के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये कौम जो है वो ऐसी ही रहेगी 200 सालों के बाद भी। तो आंख बंद करके खतरात से टलकर बुराइयों को ना देखकर जो गुजर जाना इट्स एन इजीएस्ट जॉब। 4 साल मेरे लिए बहुत आसान है गुजारना। Nobody has demanded this. Nobody even knew it. Nobody even can even imagine in their wildest dream कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई खराबियां सारी करेंगे जी, कर रहे हैं। अभी मुस्तफा साहब ने जो फरमाया कि यहां से गुजर नहीं जाना, अगर आपको याद हो चंद रोज पहले मैंने शो में कहा था कि एक साहब से वो जो वन वे पे उल्टे आ रहे थे सड़क पे थोड़ी सी बहस, उन्होंने कहा कि आप यहां से गुजरने के लिए आए खामोशी से गुजर जाए। खामोशी से तो हम ना जाने कब से गुजरे जा रहे हैं यहां से। अब जो खुशी की बात है कि अब थोड़ा सा हम शोर मचा के यहां से गुजर रहे हैं, वो शोर जो है बड़ी देर तक बचते रहे, दिस इज वेरी कमेंडेबल। अब ये जो कंप्लेंट आपकी पास आई मेरी, इसका एक्शन ट्रैक या इसका कोई ट्रैक भी है? ये देखो मैं तो हूं सिटी नाजिम जी, मेरे पास पूरे शहर भर की तमाम डिपार्टमेंट्स की कंप्लेन आ रही है इस स्क्रीन पे, आई कैन एक्सेस टू ऑन एवरीथिंग। लेकिन एट द सेम टाइम ये कंप्लेन जो है वो आपने जमशेद टाउन की कंप्लेन कराई, तो जमशेद टाउन के टीएमओ और टाउन नाजिम की स्क्रीन पे भी चली गई है, सिर्फ जमशेद टाउन की, ठीक है? और वो अब से शुरू कर देगा कहां? अब मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पूरा बैकएंड। अब डेफिनेटली सारे टाइम तो मैं ऑफिस में नहीं बैठ सकता, ये नहीं देख सकता, तो मैंने एक अपना सिस्टम डेवलप कर लिया है जो कि मैं जिनको एक्सेस कर दे दी है मैंने अपनी स्क्रीन की, वो मेरे बिहाफ पे मेरे पास पूरा स्टाफ है जो कि इन टाउन नाजिम को अब ये कहेगा कि लुक इतने बजे फला डेट को 19 जून को 1:45 बजे फैसल कुरैशी नाम के इस बंदे ने आपको कंप्लेन कराई है, क्या किया अब तक आपने, और व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब हैज बीन डन, और वो फिर फीडबैक आए। एंड देयर इज अ चांस, देयर इज अ विंडो फॉर जॉब डन एज वेल, कि ये आपकी जॉब कितने अरसे में कंप्लीट होगी या होगा सारा, तो बैक ट्रैक भी है सारा इसका। तो कोई मतलब बच नहीं सकता इससे? नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। मैंने जो है वो लोगों को सस्पेंड किया ऐसी स्क्रीन को देखकर, मैंने लोगों को जो है वो टर्मिनेट किया ऐसी स्क्रीन को देखकर। इजंट इट वेरी इट्स अ मिरेकल कि सिटी 18 मिलियन की पॉपुलेशन के सिटी नाजिम के पास 3600 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा कराची है, एक शख्स अपने किसी भी कराची के कोने से बैठकर कॉल करे और वो सदा नाजिम ए शहर तक पहुंच जाए। इजंट इट अ मिरेकल, मेरी मिरेकल, बिकॉज अभी आप मुझे बोले अगर फर्स्ट करें कि इस स्क्रीन को बंद कर देते हैं एक मिनट के लिए, और आप मुझसे फैसला अभी मुझसे पूछें कि नाजिम साहब ये बताइए कि आज आपके शहर की क्या पोजिशन है, कैसा चल रहा है आपका शहर, तो मैं बड़ी आसानी से आपके सामने बैठकर कहूंगा कि एवरीथिंग इज वेल, अच्छा है, मेरे शहर में कोई कंप्लेन नहीं है, बिकॉज नो न्यूज इज अ गुड न्यूज एंड यू कैन नॉट गेट होल्ड ऑफ मी।
ठीक है, मुझे आप जज नहीं कर सकेंगे ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे। जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस वक्त हजारों घरों में पानी नहीं आ रहा होगा, हजारों घरों का सिवेज उबल रहा होगा, हजारों घरों के आगे कचरा पड़ा हुआ होगा, सैकड़ों सड़कें टूटी होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ करके सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। लेकिन जब आज अगर आपको इस सिस्टम का पता है और मैं आपसे कहूंगा कि नहीं सब अच्छा है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं एक मिनट आप होल्ड करें, फला कंप्लेंट नंबर नहीं फला नहीं, आप नहीं तो जरा अपनी स्क्रीन तो दिखाए ना, आज आपकी स्क्रीन क्या बोल रही है, आज शहर के लोग क्या कह रहे हैं। तो जब मैं स्क्रीन खोलूंगा और मेरी स्क्रीन आप देखेंगे तो उसमें 500 कंप्लेन आपको सिवेज की मिलेगी, 500 कंप्लेन आपको उसमें जो है वो पानी की मिलेगी, 500 कंप्लेन आपको जो है वो अदर चीजों की मिलेगी। तो मैं आज बैठकर आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, ठीक है, यकीन है। और ये मैंने नादानिस्तगी में नहीं की ये सारी चीजें, ये अजाब है, ये आई हैव क्रिएटेड दिस अजाब फॉर माय सेल्फ एंड फॉर माय एडमिनिस्ट्रेशन। आई मीन कीप इन योर माइंड, पाकिस्तान की रिवायत में तो वाकई अपने अजाब पाले। एग्जैक्टली किया इतना हम कम सुने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, हमने हमेशा कुछ सुना ही नहीं, हाँ, हाँ। और हमारी आप इमेजिन करें कि 60 सालों में आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आम आदमी को ये हक नहीं दिया कि यार आपको फोन करके कम से कम बुरा भला कह सके, आपको कम से कम आपको कोई उल्टी सीधी बात सुना सके, लेट देयर फ्रस्ट्रेशन टेक आउट यार, कम ऑन फॉर गॉड सेक। आपने अपने शहरियों को यह हक नहीं दिया कि उसके घर में अगर सीवेज नहीं है, पानी नहीं है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर आ रहा है, तो उसके पास कोई एक ऐसा जरिया हो जहां पर वो फोन उठाकर आपको कम से कम गालियां बक सके। ठीक, हमने हमने कौम को खामोश करके आदि कर दिया उन बुराइयों का, और शायद ये जो मुस्तफा कमाल साहब या जो सिटी गवर्नमेंट कर रही है और जो करते रहे, अब हम जहां पहुंच गए अल्लाह करेगा इसको बढ़ते रहेंगे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, नाजिम साहब ने और भी बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सी यकीनन गलतियां और कोताहियां भी हुई होंगी, तो हमने इनसे दरख्वास्त की कि थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजारें और हमें वो चीजें दिखाएं जो एक आम शहरी को शायद नजर नहीं आती, और वो अपनी, हमने ये इतने रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं, हमने इनसे एक और दरख्वास्त की कि अपनी गलतियां जो हैं वो भी बता दें आज हमें, जो उनसे कोताहियां हो गई या जो काम अधूरे रह गए, ताकि आने वाले इनकी अच्छाइयों को तो लेके चल सकें लेकिन जो इनकी गलतियां उससे भी सीख सकें। और पाकिस्तान में गलतियों का एतराफ करना फैशनेबल नहीं है, तो दरख्वास्त हमारी इनसे आज है कि वो भी करें। अनकहीं में एक बार फिर खुशामदेद, आज हम स्टूडियो में नहीं है, कुछ वक्त नाजिम साहब के साथ गुजार रहे हैं, हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं। अभी मुस्तफा कमाल साहब के ऑफिस से मैं निकला तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक तस्वीर लगी हुई है और इसके नीचे लिखा हुआ है कराची आईटी कॉम्प्लेक्स कराची पाकिस्तान। कराची में ऐसी बिल्डिंग मैंने नहीं देखी, और चंद रोज पहले जब हमने इंटरव्यू किया था तो एक कॉलर ने पूछा कि जी आईटी के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा आईटी पार्क, क्या ये वही आईटी पार्क है इसका आपने वादा किया था? अब ये जो आईटी पार्क है देखने में तो बड़ा मॉडर्न है, जो फौरी लोग सवाल करते हैं कि जी इसमें आग लग गई तो क्या होगा, हमें बुझाने का तरीका, आईटी इंडस्ट्री ये कहती है कि जी हमें जनरेटर्स लगाने नहीं दिए जाते, बिजली के सिस्टम में आग लग जाती है, 2-3 आईटी टावर्स यहां जल गए। ये जो है अगर हम 2008-2009 में बना रहे हैं, क्या ये बिल्डिंग सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ प्रोटेक्टिंग है? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो इस बिल्डिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल एक एडवांस बिल्डिंग है, सेल्फ सस्टेनेबल है बिल्डिंग है, पावर्स के हवाले से, अपनी सीवेज के ट्रीटमेंट के हवाले से, पानी के हवाले से, सीवेज ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के भी हवाले से, ये खुद ही अपनी बिल्डिंग का तमाम सीवेज को ट्रीट करेंगे, उसको रीयूज भी करेंगे और उसको फिर डिस्चार्ज उसके बाद करेंगे अपने ट्रीट करने के बाद, यानी कि इनका एफ्लुएंट जो है वो नहीं जाएगा हमारी मेन लाइनों में। इस बिल्डिंग में तमाम बैकअप से, ये पाकिस्तान में आईजी टावर जो आपके आईजी टावर पाकिस्तान में बना ही नहीं है, अगर आप किसी बिल्डिंग का नाम आईजी टावर रख लें तो वो बिल्डिंग जो है आईजी टावर नहीं कहलाएगी, ठीक है, आईजी टावर की बिल्डिंग को सॉफ्टवेयर पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो बिल्डिंग तो अगर वो जल गए हो तो उसको जलना ही था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की बुलंदतरीन इमारत होगी, पर्पस बिल्ड है, और इसको दुनिया के कंसल्टेंट्स, दुनिया के कई कंसोर्शियम बनाकर कंसल्टेंट्स को जो है बनाने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ रिवोल्यूशनरी सॉफ्ट लेवल रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, जब इसलिए इसमें जो कॉल सेंटर है हमारे वो 10,000 सीट कॉल सेंटर है। कितनी मंजिल की है बिल्डिंग? 47 स्टोरी 47, और ये जो बराबर में छोटी बिल्डिंग है ये कार पार्किंग है पूरी, ये कार, अच्छा ये भी एक और मसला था, दो लेवल इसके अंदर है, इसमें हम इस बिल्डिंग और इसकी बिल्डिंग के सराउंडिंग एरिया की तमाम पार्किंग की जगह हमने इस बिल्डिंग में दी है, वरना अगर आप बिल्डिंग बना लें इससे पहले कहां किसने कार पार्किंग बनाई है किसी बिल्डिंग में? अच्छा एक मैं सवाल कर लूं, नाराज तो नहीं आप? एक बेवकूफ नहीं बनाना, बेवकूफ ये सारे वादे लोग कर जाते हैं, मिलता मिलाता कुछ नहीं है। फैसल अभी आपको मैं इस बिल्डिंग की मैंने इनॉग्रेशन नहीं की है फॉर्मल, आपको तस्वीर नहीं देखी हुई, मैं आपको लेकर चलता हूं कि इस बिल्डिंग का काम शुरू हो गया 2 महीने से,
मुझे तख्ती लगाने का बिल्कुल शौक नहीं है और मैंने तख्ती नहीं लगाई अपने नाम की। ट्रस्ट मी, इस बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है, कंपनी आ गई है, पैसे मौजूद हैं और बिल्डिंग का काम शुरू हो गया, लेकिन मैंने अब तक जो इसको इनॉग्रेट नहीं किया फॉर्मली। वल्लन लोग तो सोचते हैं, रात में ख्वाब में देखते हैं, सुबह आकर तख्ती ठोक जाते हैं ग्राउंड पे कि हमने ये सोचा है और यहाँ पे ये जगह बनेगी। मैं उस ग्राउंड पे जाकर अपनी तख्ती लगा सकता था, बट आई एम नॉट द मैन यार, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है तख्तियां लगाने का। तो नहीं, बेवकूफ नहीं बनाऊंगा इंशाल्लाह, ये वादा रहेगा, वादा। ये आपका जो है ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये वही चीज है जिसपे आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि कराची के लिए आपने कैमराज लगाए हैं कंट्रोल कर, इससे सर्वेलेंस, सर्वेलेंस है, और ये पूरे कराची में कर रहे हैं, ये पूरी कराची। अभी दो कॉरिडोर है हमारे पास, 38 किलोमीटर हमने कवर किया एज अ मॉडल बनाकर, और उसको हमने हमारे पास फ्रीक्वेंसी की कैपेसिटी जो है वो उसका ब्रेन उसकी कैपेसिटी पूरे कराची के लिए है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक आपने हार्डवेयर लगा दिया, बस कैमरे लगा, कैमरे लगा। अच्छा, इसकी फंडिंग हमने की है सिटी गवर्नमेंट ने, 11 करोड़ रुपए खर्च हुए इसके ऊपर अभी अब तक सिटी गवर्नमेंट ने, जी सिटी गवर्नमेंट। और ये जो 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 डेटा है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं सारे लॉ एनफोर्समेंट को, पुलिस को, तमाम इदारों, ट्रैफिक कंट्रोल को, तमाम। अच्छा, आप बस लाइव व्यू है ट्रैफिक का, सीइंग इज बिलीविंग। आइए, Life Ka Network। One 70th of a teaspoon of mercury can contaminate 20 acres of a lake, making the fish unfit to eat. Global warming is not just a fact, it's a choice. क्या अलकायदा मुसलमानों के मफादात का तहफुज करती है? अलकायदा कोई इशू नहीं, नथाना है। कहा जाता है कि बुरा कानून वो है जो नाकाबले अमल हो। जहाँ तक OIC का ताल्लुक है, उसको ये कहना चाहिए OIC, इसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं। ट्रेडिक्शन तो खुदा की जात में ही। मैं वो माशरा, वो दुनिया पसंद करता हूँ जिसमें मेरे पैगंबर इस्लाम का एहतराम उनके किरदार की बुनियाद पर हो, कानून की बुनियाद पर। हमने कभी हुकूमत के साथ, स्टेट के साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं किया। जो इस्लाहात हमें करनी है उसमें हम कामयाब नहीं होते। अलकायदा एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है विद द वर्ल्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिलिटेंसी ट्राइबल बेल्ट के अंदर एक रियलिटी है, हमारी फौज के लोग मर रहे हैं वहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट इस्लाम का हमें सिखाया गया था वो कॉन्सेप्ट आज नहीं। हल्काए फिक्र हर हफ्ते की शाम 8:30 पर। प्रोग्राम गपशप, उसके बारे में मुहावरा ये होता है कि रोजी आजम गए, और उसका जवाब होता है कि बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअली फखर इमाम लिबरल है, तबन कंजर्वेटिव है। आप 10 खवातीन को बिठा दें, किसी एक का बच्चा जीने से कम है। What have we done to this generation? दो मुख्तलिफ लोगों को बुला लेते हैं, उनको आपस में लड़ा देते हैं। तो हमारे यहाँ तो हुकूमत मासी वेड़ा होता है। वो ना लड़े तो जो होस्ट होता है वो खुद एक के साथ डर पड़ता है। ना ज्यादा हमारे पे प्रेशर है, हमारे फाटा रीजन और बलूचिस्तान और इस तरफ। मीडिया एक मॉन्स्टर है। हम कैसे जा रहे हैं पाकिस्तान? अच्छा ये मत कहना बिजली नहीं है, पानी मेरे घर भी नहीं है, आटा मैं भी खाता हूँ, मुझको पता होगा मैं क्या होगा। एक माइंडलेस एपिंग या कॉपीकैट कल्चर डेवलप हो गया। गपशप हर हफ्ते और इतवार की रात 10:05 पर। वारिद, लाइफ का नेटवर्क।
जिस बात पे मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हूं वो मैं जो वर्कमैनशिप की क्वालिटी है मैं उससे मुस्कुरा रहा हूं कि हम इस तरह काम करने के आदि तो नहीं है। आप वाकई हमारी आदतें बिगाड़ रहे हैं और ये ना कीजिए क्योंकि हमारी कौम अभी इसकी आदि नहीं हुई। अगर ज्यादा आप हमें सही कर देंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और मैं ये सिर्फ तंजन या मजाकन नहीं कह रहा, मुझे वाकई ये घबराहट है कि बहुत सी हुकूमतें आती हैं, कुछ चीजें देती हैं और फिर चली जाती हैं और वो फॉलो थ्रू नहीं होता। कोई हुकूमत आई, इसने कहा कि हम बिजली के प्लांट लगाएंगे, वो चलेगी खत्म हो, किसने कहा रोड बनाएंगे, वो चलेगी खत्म हो गए। अब ये जो कराची के लिए हो रहा है मुझे खौफ ये है कि ये भी कहीं वक्त में खो ना जाए। और इस क्वालिटी की चीज मैंने कम से कम कराची गवर्नमेंट में तो आज तक नहीं देखी और मैं पिछले 20-25 बरस से सिटी गवर्नमेंट या जो भी निजाम रहा है हमारा उसमें आ रहा हूं। सर ये मुझे से वजाहत कर दीजिए कि ये एयर कंडीशनिंग, ये कुर्सियां, ये टेबल, वो अंतर, मुझे सूट पहनी हुई खवातीन दिख रही हैं, ये किस किस्म का माहौल है? ऐसे माहौल हमारे यहाँ नहीं होते। फैजल एक तो ये बता दूं कि ये जो कुछ है आपको मैं टच करके देखूं आप ख्वाब नहीं देख रहे। मैं वाकई सब में थोड़ा सा परेशान हूं। ये वो वादे नहीं है, ये तो हमने कहीं किसी से किए नहीं ना, ये तो कर दिया ये सारा कुछ। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू नो आपके हम ये करेंगे जो हम कहते हैं ना हम फलां पाइपलाइन में है, प्लान में हम करेंगे, हम ये करेंगे फलां फलां ईयर में, नहीं नहीं ये हो गया है सारा। तो ये तो हुई भी चीज को अब आने वाले के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होगी कि उसने इसको चलाना ही चलाना है। अगर वो ये बंद इतनी अवेयरनेस दे जाएंगे हम आने वाले की ऑब्लिगेशन, मुझे पता है, मुझे तो ये दुआ है कि हमारी कौम आदि हो जाए अच्छी चीज की, वो खुद ही मांगे हो जाएगी। कौम हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, कौम का यही कौम जो है वो आप देखेंगे इसने दुनिया में कितने वंडर्स किए हैं, जाके जहां जहां ये जाते हैं क्या कारनामे अंजाम देते हैं। प्लीज बैठे बैठ 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 ये आपका मॉनिटरिंग नर्व सेंटर है, ये हमारा मॉनिटरिंग नर्व सेंटर है। यहां पर आपको हम जो है वो चंद एक 5 मिनट की जो है वो हम आपको क्लिपिंग्स भी दिखाएंगे, हमने रिकॉर्ड्स की हुई है चीजें। ठीक है, ये कमांड एंड कंट्रोल रूम कहते हैं हम इसे। ये कैमरे आपके पैन जूम कंट्रोल है, आपके जो नीचे आपको जो सारी छोटी स्क्रीन नजर आ रही है ये लाइव कवरेज आ रही है तमाम। ये जो कैमरा मूव हो रहा है, बिल्कुल ये मूव कैसे हो रहा है? यहाँ से हो रहा है मूव सारा, इट्स ऑल कंट्रोल, जॉयस्टिक कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जूम कर सकते हैं, फिक्स कैमराज नहीं, ये फिक्स कैमराज नहीं है, हम जूम कर सकते हैं, हम उसको जो पूरे पूरे कवर कर रही है सारी चीजों, जूम कर सकते हैं, नंबर प्लेट देख सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? फर्स्ट कह रहे मैंने 2 कॉरिडोर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए। ठीक है, एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर नंबर 1 में मैंने 3 अंडरपासेस 3 फ्लाईओवर हमारे बन गए। ठीक है, जिस अकप्रस गवर्नमेंट ने इसको बनाया 8 मंथ्स टाइम में। ठीक है और इट वाज अगेन अ मिरेकल कि 8 महीनों में तो जो है वो यहां पर ब्रिजेस मौजूद है जो 11 सालों में एक एक ब्रिज बनाए हमने। 8 महीनों में 13 किलोमीटर को सिग्नल फ्री कर दिया, एंड टू एंड सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई इसके ऊपर। फिर हमने नया कॉरिडोर सेकंड कॉरिडोर नंबर 2 हमने कंसीव किया, उसे हमने 6 महीने में बनाने की कोशिश की, 5 फ्लाईओवर्स बना दिए उसके ऊपर। ठीक है, वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2 बन गया नागिन चौरंगी से लेकर शारा फैसल तक। ठीक है अब उस कॉरिडोर को बनाने के बाद ये प्रॉब्लम्स नजर आने लगी कि यार यहां पर इसकी सेफ्टी कैसे करें हम अपनी दीवारों की, या स्मूथ फ्लो है, या स्मूथ फ्लो कैसे करें इसमें, हमें हमारी लाइट नहीं जल रही, या मलबा पड़ा हुआ है, या कोई आकर रोड काट जाता है हमारी, कोई आकर दीवारें काली कर जाता है, आखिर हम ये इसलिए कि मेरा अपना पैसा तो नहीं लगा हुआ, कौम का पैसा लगा हुआ है। अगर मैं बना के अदरवाइज मैं तो अपनी पब्लिसिटी कर चुका हूं उसके ऊपर सारी, जो कॉरिडोर मैंने बनाने थे बना दिए, मुझे जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी थी मिल गई सारी चीज, अब हु केयर्स कि अब इसको इस पे पानी खड़ा हो या चीजें हो। लेकिन इसको सस्टेनेबल करने के लिए कौम का पैसा सही जगह पे ड्यूरेबल तरीके से इस्तेमाल होने के लिए हमें इसकी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी जरूरी थी, उस पे हमने चलाना मेंटेन भी उसको मेंटेन करना डेफिनेटली। अब आज के इस दौर में जदीद दौर में ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल कि आप फिजिकली एक एक जगह जाकर खड़े हों, कराची जैसे शहर तो नामुमकिन है। इसलिए हमने इसे कंसीव किया इसको, और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में मौजूद है चीजें, एग्जिस्टिंग सिस्टम, हमने चूंकि आदत नहीं है इस चीजों की, हमने दुनिया का जदीद सिस्टम
कैमरे से लेकर इसकी यूरोपियन एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उनके इंजीनियर्स आए यहाँ पर, हमने आउटसोर्स किया और उन्होंने आकर सारे हमने उनको अपना कॉन्सेप्ट दिया, हमने अपना विजन दिया, हमने उनको बताया और 2 महीने पहले से सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इसमें फकत 11 करोड़ रुपए खर्च हुए जी अभी तक, बस जी अभी तक, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर आ गई जी बिल्कुल, हमने फ्रीक्वेंसी डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी मिली है फैसल, हमें नर्व सेंटर, नर्व सेंटर हो गया हमारा, सिर्फ 11 करोड़ रुपए, 11 करोड़ रुपए। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो तकरीबन 3 गाड़ियों की कॉस्ट है, तीन से चार सरकारी गाड़ियों की कॉस्ट। सही, मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा तंज की आदत है या न जाने क्यों, नहीं हो सकती है, बिल्कुल सरकारी गाड़ियां तो अगर आजकल बुलेट प्रूफ अगर वाली होती है, 1.5-2 करोड़ की तो होती है जी बिल्कुल, तो 11 करोड़, चलो चले आपकी खातिर 6 गाड़ी की कॉस्ट लेते हैं, तो ये कॉस्ट है जी बस। और अगर मैं कहूं कि आप बाकी पूरे कराची में 500 कैमरे और लगा दें, लग जाएंगे, तो क्या कॉस्ट होगी, 20 करोड़ रुपए और लग जाएंगे। तो एक शहर की पर्सपेक्टिव में 30-35-40 करोड़ रुपए, जो कि अगर मैं उसकी अंग्रेजी बनाऊं तो तकरीबन $6 मिलियन की क्या औकात होती है? कुछ भी औकात नहीं फैसल, क्यों कि देखिए राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तमाम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं अपनी हर स्पीच में, अपने हर कमेंट में, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पर लोकल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा तो आपके मुल्क में इकोनॉमी अच्छी होगी और जॉब क्रिएशन होगी, ये वो सारा सिस्टम। यार हाउ विल एनीबडी कम टू योर कंट्री एंड योर इन योर सिटी जब उसको जो अपनी लाइफ थ्रेट हो, जब उसके जहन में सिक्योरिटी पीस ना हो, सिक्योरिटी ना हो, ठीक है? तो ये मैं मेरा एक्चुअली काम नहीं है करना, ट्रस्ट मी, अगर किसी का तो है और नहीं है क्या, तो क्या मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है काम, ये यहाँ पर इस काम को करना मेरा काम नहीं है, शहर की सिक्योरिटी को का ख्याल रखना दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। इसलिए लेकिन मैं क्यों डल हुआ, इसलिए कि मेरे शहर के लोग परेशान हैं, मेरे शहर का बिजनेसमैन परेशान है, वो अगवा हो रहा है, वो स्नैच हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही, मेरे शहर का एक एक आदमी लुट चुका है ना, स्नैचिंग हो चुकी है, मोबाइल फोन छिनवा चुका है, औरतें लुट चुकी हैं, एक बार तो हम मतलब किधर जा रहे हैं कि मैं अगर ये सड़कें मैं बना रहा हूं या मैं ये फ्लाईओवर्स बना रहा हूं, ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे अगर एक आम आदमी के जहन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है तो ये सारी सड़कें बेकार हैं यार। ये आपने कहा फेस रिकॉग्निशन कर सकते हैं, फेस सॉफ्टवेयर लगी हुई है, बिल्कुल नादरा की डेटाबेस, नादरा अब हमसे इन टच है, मैंने तमाम पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड आ रहा है, उन्होंने देखा, उनकी उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी चीजें। सबसे मजे की बात यह है कि हमने किसी को से इस पे से पूछा नहीं है, किसी से शेयर नहीं किया, अगर मैं शेयर करता किसी से ये तो ये नहीं बन पाता, हमने पहले बना लिया वो तो फिर सिस्टम में, और लाकर मैंने इसको दरवाजा खोला, बोला ये देखो हमने ये कर लिया, वो तो सिस्टम में फंस जाता, ठीक है, वो सिस्टम में फंस जाता, इसलिए जब भी हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने किसी से पूछा नहीं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मुझे कैपेबिलिटी में आपके जूम की स्ट्रेंथ में, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको 5-7 मिनट की जो रिकॉर्डेड जो डॉक्यूमेंट्री जो हमने रिकॉर्डेड, नहीं हमें लाइव दिखा दी, रिकॉर्डेड शायद लोग और मैं भी शायद चेक करूंगा, थोड़ी सी डॉक्टर है, हम लाइव भी दिखाएंगे आपको, लेकिन आप चंद सीन देख लें कि ये सीन कैसे किस तरह के सीन हमने रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन मुझे लाइव भी दिखाएंगे ताकि बिल्कुल दिखाएं, आई वुड लाइक द सैटिस्फैक्शन। हमारे पुलिस के साहब हैं अभी रोड पर खड़े होकर ये कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड चल रहा है जी, ये रिकॉर्ड ये हमने अपने कैमरे से उठाया सारा ये, एंड कोई डॉक्टरेट नहीं हुई भी सारी चीज, ये देखें ये बाकायदा आर्ग्यूमेंट चल रही है, ठीक है, ये हमारे ये और ये अभी आप देखेंगे कि इनको चेंज भी वापस करेंगे, ये डॉक्टरेट नहीं है, ये नॉट एट ऑल, आई मीन ये इसी तरह का सारा, ये देखिए ये मेरे अंडर हमारे अंडर पास में ये रात के 1 बजे एक लड़िए ये साहब हैं जो बैठकर आग लगा रहे हैं। अब अगर फर्स्ट आई मीन अगर आप एज्यूम इमेजिन करें कि इस जगह पर अगर कोई आग लगा रहा हो तो हमें तो जब आग लग चुकी हो जब पता चले ना, खुदा ना खास्ता इसको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचाए, हमने 2 मिनट के अंदर वहां पर मोबाइल पहुंचाई, आप देखेंगे कि यहां पर जो है वो गाड़ी पहुंचती है, आग लगा रहा है, अब ये नशा करने वाला है या वट एवर, लेकिन ये तो अपना काम करके चला जाता, अगर कुछ छोड़ जाता तो मेरे अंडर पास जल रहा होता पूरा, रात के 2 बजे कौन देखने वाला उसे, ये फौरन वहां पर मोबाइल पहुंचती है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीन है, लेकिन हमने आपको आपके टाइम के लिए जो इसको ये जो आपकी लाइव कैपेबिलिटी मुझे लाइव कैमरा दिखाएंगे, ये सब लाइव चल रहे हैं, ये लेफ्ट राइट पे सारे लाइव चल रहे हैं फैसल, ये सब लाइव है,
ये सब लाइव है सारी, सिर्फ ये बीच की स्क्रीन आप देखें जिसमें हम आपको रिकॉर्डिंग है, आपको मैं लाइव जूम करके आप जूम के मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। और अब हम फॉर्मली एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं पुलिस के साथ कि पुलिस एक मैं थोड़ा सा डायग्रेस करूंगा, अभी ये बात करने में डायग्रेस करता हूँ। अभी ये जो पुलिस वाले हैं उन्होंने उसकी तलाशी ली और सड़क पे थोड़ा कचरा फेंक के चले गए, वो एक लाल चीज फेंक गया और कुछ फेंक गया। ये मेरी बड़ी जो है दुखती रग है एक कि हमने अपने शहर कौम मुल्क की कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कतन इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमने कहीं ये पैगाम नहीं लगाया कि भाई कचरा मत करो, ये मत करो, ट्रैफिक के कानून मत तोड़ो। ये देखिए रात में, रात का ये सीन है शफीक मोड़ पे, रात के 3 बजे लोग एहतजाज कर रहे हैं, लाइट गई हुई है और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं वहां पर, और ये सड़कों पे आकर उन्होंने जो है वो धरना दिया और टायर वायर जलाए। हमने यहां से फिर मोबाइल मूव किए, उनको चेक भी किया, फिर यहां से केसी वालों को भी बोलना शुरू किया हमने। अब हम ये लाइव देख रहे हैं उनको ना, ठीक है, कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। तो ये आग वाग उन्होंने जलाया, फिर अब देखेंगे थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच जाती है यहां पे, और ये पुलिस की हम ये देखेंगे ये पता है कौन सी गाड़ी है, ये फोकस हम कर पा रहे हैं आप देखें, ठीक है, ये इसकी जूमिंग एबिलिटी है सारी। ये देखें ये जूम आप करते, ये हम बाकायदा नेम नंबर प्लेट और सब दिख रहा है, सब ठीक है, हम देख सकते हैं सारी चीजों में। और ये तो रिकॉर्ड है, मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ कहीं पे किसी जगह। ये देखिए एक एसी एक ई 5575 वो जो भी गाड़ी है जी, और इस पे इस तरह से हम इसकी वो कर सकते हैं। ये लाइव कैम ये देखिए और सीन है, ये सोराब बोर्ड का सीन है, मजदूर से जो है वो ये सारा हिसाब किताब चल रहा है और ही इज ऑब्लिवियस के जो है वो कोई इसको देख रहा है, ही डजंट नो। Wanted Life Come Network. शहर शहर समा में आपको खुश आमदे। कराची में सेंट्रल जेल में कैदियों के फनपारों की नुमाइश, कैदियों को जेल में कालीन और दूसरी दस्तकारियों की तरबियत दी जाती है। ये इंतजामिया ने हमें नई रास्ता दिखा दिया जीने का। जेल में कुछ और हम नहीं कर सकते हैं, इससे बेहतर है कि हम आर्ट्स के प्रोग्राम में और आर्ट्स के क्लास में आए। अपने शहर की कौन सी ऐसी बात है जो आपको पसंद है? सड़कों की तोड़ फोड़ है, लाहौर की सड़कों पर गुजरना मुश्किल है, स्ट्रीट क्राइम्स नहीं होने चाहिए, कराची के ट्रैफिक अच्छे नहीं लगते। शहर शहर समा हर पीर से जुम्मे की शाम 7:30 पर। One third of the earth's soil is now unfit for growing food due to deforestation, waste disposal and overuse of fertilizers. Global warming is not just a fact, it's a choice. रफ्तार दौर और दर्जनों सैटेलाइट चैनल्स की मौजूदगी ने इंसान के जहन को मुख्तलिफ ख्यालात और बातों से भर दिया है। नाज़रीन आज के सेगमेंट में साल 2006 के दौरान होने वाले कत्ल, इकदाम कत्ल, अगवा जिंसी ज्यादती और अगवा बराए तावान और इज्तिमाई ज्यादती के वाकयात के आदाद शुमार से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब और कराची में डकैती की वारदातों में मुलव्वस एक ग्रुप के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मनशात के स्मगलर हर दौर में अपने मजमून मकासद के लिए मजबूर या सादा लॉट का इस्तेमाल करते रहे। मेरी बहन कैंसर हॉस्पिटल में आखिरी स्टेज पे थी, इस वजह से इसमें मजबूरी में उन्होंने काम किया। क्राइम सीन पीर से जुमे की शाम 6:30 पर।
लाइफ का नेटवर्क। अब ये आई कुड आर्ग्यू ऑन इट कि जी ही कुड बी एनीबडी, ही माइट बी अ टेररिस्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी दुनिया में एक रिवाज होता है सिटी कैम्स का, कि ये जो कैम्स होते हैं वेब के ऊपर लाइव अवेलेबल होते हैं, आप देख सकते हैं। इसको पब्लिक को रिलीज करने का इरादा है आपका या अभी नहीं? ये हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। टेक्निकली कोई इशू नहीं है, ठीक है। वी हैव गॉट द कैपेबिलिटी। हम तो अपनी सेलुलर फोन, ये देखें, अब ये एक ऑब्जेक्ट है KP6350, ये गाड़ी खराब हो गई है लियाकताबाद फ्लाईओवर के ऊपर, ठीक है। ये छोड़कर ये बंदा बीच रोड पर, हम इसे फोकस कर रहे हैं यहां से ना, हम बीच रोड पर ये छोड़कर, ये गाड़ी लाइटें जला दी इसने और ये मेन कैरिज वे पे छोड़कर अब ये जा रहा है। और अभी आप 2 मिनट के अंदर एक्सीडेंट देखिएगा कैसा होता है यहां पे इसके ऊपर। हम अभी यहां से हमने मूवमेंट शुरू करवाई है, फोन करना शुरू किया है यहां से कि भाई पहुंचो, अब ये कुछ होगा यहां पर। और वो छोड़कर वो क्रॉस कर रहा है, हमने इसकी गाड़ी को भी नोट कर लिया चीजें। अभी आप इस पे एक्सीडेंट देखिए। अब ये किधर देख सकते थे आप? मतलब ये शहर में ऐसे 3,500 केसेस रोजाना होते हैं, किसको पता है कि क्या हो रहा है? ये हुआ वहां पे। अब यहां पर अगर मेरे पास वो है ना, जो हम ये कहते हैं कि पुलिस जो है वो तमाम दुनिया के तमाम शहरों में, इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेयर, ठीक है। हम लोकल रिप्रेजेंटेटिव, अभी पुलिस और कम्युनिटी के बीच में गैप है, एंड दैट ब्रिज ऑफ दैट गैप इज द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर, अगर तो मैं यहीं से खड़े होकर जो है ना इस गाड़ी को बैन करता, उसको अरेस्ट करवाता उस आदमी को, ठीक है। लेकिन कम से कम फिलहाल मिलके कोऑपरेट तो कर ले, कर लिया, जब तक कर लिया, कर लिया, कर लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कर लिया सारा, ठीक है। मैं उसकी बहस में नहीं जा रहा। अब ये ट्रक चढ़ जाएगा इसके ऊपर, साइकिल वाले के ऊपर, जी बच गया ये बंदा। हमने आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई जहां पर जो है वो जो, हाँ लेकिन वो बेचारा उसी साइकिल गई। अब आप देखें ये ऐसे 3,000 केसेस होते हैं रोजाना शहर में, कौन देखता है इसको? सर ये जो फुटेज आपके पास है, इसको प्लीज इसको पब्लिक को दिखाएं, इसको रिलीज करें, क्योंकि बाकी दुनिया में एक्सीडेंट्स की फुटेज दिखाई जाती है, प्रॉब्लम्स की फुटेज दिखाई जाती है, लोगों को अवेयरनेस आए। और जो हमने भी कुछ शोज किए ट्रैफिक के लिए, वो देख के लोगों ने बड़ा रियलाइज किया। यहां पर आता है, मैं समझता हूं इट्स एन आर्ग्यूएबल। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जो है वो अपनी पब्लिसिटी में खुद लग जाऊं। अब यहां पर इंडिपेंडेंट मीडिया का रोल आता है। आई विल नॉट स्टॉप एनीबडी हु वांट्स टू कम एंड प्रोजेक्ट दिस होल सिचुएशन, ठीक है। तो यहां पे तो मीडिया का काम है, यहां पर आउट से कि मीडिया इन रियल टाइम अगर आप इस फुटेज को, हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अच्छा आपके पास इस किस्म के एक्सीडेंट्स वगैरह की फुटेज, अब कितने कितने एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड हो गई हमारे पास? तो ये देखिए रात के 3 बजे का सीन है, एक रॉन्ग मोटरसाइकिल खातून जा रही है मोटरसाइकिल पर बैठकर, और रॉन्ग जा रहे हैं रात के 3 बजे, ये देखें, लुक एट इट, उड़ा के रख दिया उसने उसको, ये रॉन्ग आ रहे हैं। आप देखें गाड़ियां उस तरफ से आ रही हैं सारी, और ये इधर से जो है वो कितनी तेजी में साफ बाज उड़िए जा रहे हैं ये। फिर हमने यहां से अपनी कम्युनिटी पुलिसिंग मूव की है, फिर और लोगों को मूव किया है, फिर हम इसको देख भी रहे थे कि एम्बुलेंसेस मूव किए, फिर हमने वहां पे खैर ये बच गई, ठीक है। वैसे मैं तो कह रहा हूं कि खुदा रहा, अब इसका हम अब ये तो लगी टेक्नोलॉजी तो हो गई, किसी कैमरे को फोकस वो करके जूम करके दिखा दो, दिखाई कहां पे कौन सी इसका, लेकिन अब हम इफेक्टिव यूज कब शुरू करेंगे? ये शुरू हो गया इफेक्टिव, मेरे मतलब कि इस, अब इसके जरिए हम, मैं आपको दिखाता हूं, अभी बताता हूं इस्तेमाल अब क्या है इसका। लियाकताबाद कौन है? ऊपर है ये वाला, हाँ करो भाई बताइए, देखिए अब हम ये रियल टाइम जूम, ठीक है, रियल टाइम जूम चल रहा है, कर रहा है। ये रिक्शे को आप देखते हैं 49758, ठीक है। तो टोटल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी आपके पास है 100% स्टेट ऑफ द आर्ट, ये ऑब्सोलीट कहीं से हुआ नहीं है कि इसको हम ये करें, ठीक है। ये तमाम लाइफ, तमाम जिस चीज को, जिस कैमरे को हम चाहे हम बड़ी स्क्रीन पे लाकर उसको, जहां पे हमें अनयूजुअल कोई एक्टिविटी नजर आती है, हम उसको बड़ी स्क्रीन पे लाकर उसको फिर लेते हैं, और फिर हम अपने स्मॉनिटर पे ले आते हैं, और फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा ये जो आपकी टीम यहाँ बैठी है ये क्या कर रही है? ये बस देख रहे हैं, बस ये देख रही है, और मैं आपको बताता हूँ इसके बाद ये कहाँ से पास ऑन करते हैं। दिखाइए, आई
और इसी तरह से पूरी जब कराची की हम बात करते हैं तो ये जो वॉल्स हैं हमारे पास सारे जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पूरा तैयार है, ये सारी जो जगह नजर आ रही है दीज आर मोर देन एनफ फॉर द होल कराची। क्या लोकल इंडस्ट्री या बिजनेसेस आप सब कोऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंडिंग सपोर्ट? अभी तक तो कोई नहीं, हमने किसी से बात भी नहीं की ये वाली अभी तक। लेकिन देखिए जैसे सियालकोट जो है वो इंडस्ट्री ने खुद कंट्रोल लेके बनाया, सियालकोट के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि लेकिन वो खुद इन्वॉल्व हुए। तो हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री या हमारे बिजनेसेस क्या वो इन्वॉल्व हो रहे हैं सारा यहाँ पर तमाम का, और इसकी अलग से ही इसकी इस रूम की प्रोटेक्शन अलग है इसकी, इसमें आयरन शील्ड दी हुई है पीछे सारी, ठीक है, इसके अंदर ताकि इसमें कोई भी कुछ ना हो सके, ठीक है सारा। ये पुलिस का सिस्टम है सारा। अच्छा, पुलिस माशाल्लाह पुलिस का सिस्टम है, पुलिस की अपनी यहाँ पर वो है फ्रीक्वेंसी और अपना यहाँ पे सिस्टम है सारा ट्रैफिक का और पुलिस का सारा। तो ये वहां से पुलिस नोटिफाई कर रहे हैं, ये वहाँ बैठते भी हैं वहाँ पे ना, तो फिर यहाँ से इनका क्योंकि हमारा डायरेक्ट क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है पुलिस से, हमने इनको एक्सेस दिया हुआ, तो हमने आप कह रहे थे कि भाई जब तक नहीं हो सकता तो ये हमने बनाया है भाई इनके लिए सब कुछ, ये देखें इनकी इनका सारा सिस्टम लगवाया है। देखिए मकसद तो ये है ना कि जो एक्जेक्टली ऑफकोर्स क्यों किया वो उसकी हम बहस में पड़ गए, क्या वो तो उम्र भी जैसे आपने कहा कि अगर आप इदारों को मिला के करते तो कभी बनता ही ना, तो बेहतर ये कि बना डालो कर डालो, वो एक चीज जब अच्छी हो जाती है। ये मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है सारा, जो जहाँ पे कहीं पे कैमरे में कोई प्रॉब्लम आती है नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर ये लड़के उसे देख रहे होते हैं ऑल द टाइम राउंड द क्लॉक, और यहाँ पर राउंड द क्लॉक 24/7 चल रहा होता है सारा, फिर यहाँ पे कैमरे की सारी मॉनिटरिंग केबलिंग की मॉनिटरिंग, और फिर यहाँ से फिर इनकी टीम नीचे काम कर रही होती ग्राउंड पे, ठीक है, तो ये वो चल रहा होता है सारा। मतलब मैं इसकी सिर्फ शक्ल से मैं जितनी तारीफ करूँ तो, और ये तो चल रहा है, अब तो मुझे सिर्फ ये ख्वाहिश है कि किसी तरह इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इफेक्ट जो है वो डीआईजी को हमने यहाँ पर उन्होंने ली है प्रेजेंटेशन आकर, आईजी साहब इसको देख चुके हैं, उसकी ब्रीफिंग दे चुका हूँ मैं, गवर्नर सिंह को दे चुका हूँ मैं, मिनिस्टर को दे चुका हूँ मैं यहाँ पे, तो हमने तो ये कर दिया है, हमने दरवाजा खोल दिया, आए उसको यूज करें, ठीक है। अभी हम IQC सेंटर में आए जो कि इनका क्वालिटी कंट्रोल सेंटर, जो कंप्लेंट हमने थोड़ी देर पहले की थी ये उसका क्वालिटी कंट्रोल है बेसिकली कि जो कंप्लेंट हुई क्या वो ऑनर हुई कि नहीं। एक चीज वो कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो सकी और मैं उसके कहना जरूर चाहूंगा, जब इस कमरे में दाखिल हुए तो मुस्तफा कमाल साहब ने पहले दरवाजा खटखटाया फिर दरवाजा खोला, ये वो इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है, हर तहजीब याफ्ता शख्स यही करता है, लेकिन हमारी कौम में वो तहजीब रही नहीं, वो जो एक अंदाज होता है काम करने का, और वो एक छोटी सी बात है लेकिन मैं उसको एक्नॉलेज जरूर करना चाहूंगा कि दरवाजा खटखटा के खोला, विच इज मेरी नजर में बहुत कमेंडेबल सी बात है। ये IQC सेंटर है जहाँ पे वो जो कंप्लेंट हमने की ये मॉनिटर हो रही है और देखा जा रहा है कि वो कितनी देर में फॉलो अप हुआ, कितनी देर में उसके ऊपर काम हुआ या ना हुआ, तो ये टीम है बैठी जो ये सारा काम कर रही है, और वो छोटी छोटी डिटेल्स जिनसे लगता है कि काम हो रहा हो वो शायद छुपी हुई होती हैं, और ये पीछे एक बोर्ड है जिसके ऊपर इनका फंक्शनिंग का तरीका लिखा हुआ है। अब वो शायद उसका साहब मैं सोचा भी नहीं था कि मैं इस वाली चीज को पकड़ूंगा, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हम नहीं दिखाते और ये वो पोर्ट्रे करती हैं कल्चर को। इफ नो कमेंट गिवन अगेंस्ट इनवैलिड टू बी कैंसल्ड, नो एक्शन टेकन ऑन कमेंट्स बाय QCA, इफ द इश्यूज रिजॉल्व मार्क द कंप्लेंट इज डन, उसके बाद इफ द इश्यू विल बी रिजॉल्व इन फ्यूचर वर्क इन प्रोग्रेस मार्केट इज एदर एज आइदर वर्क इन प्रोग्रेस और अनरिजॉल्व। एक वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है कि वो कंप्लेंट वो फोन करके बात वहां खत्म नहीं हुई लेकिन उसको फॉलो थ्रू है जो ये डिपार्टमेंट कर रहा है, एंड दिस इज फैंटास्टिक। वो थोड़ा सा ये कंफर्ट मिलता है कि बात कहीं खो नहीं जाए, फाइल नहीं गुम हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली, देयर इज नो फाइल गुम होने का कोई चक्कर, कोई कहानी नहीं है। पाँव नहीं लगाने पड़ेंगे। हमने अपने लिए जो है ना क्रिएट की है प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। ये क्या किस लिए कि एक इंसान को डिसेंसी महसूस हो, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ ओनरशिप महसूस हो, मुझ में और आप में क्या लैक करने लगी है कि ड्यू टू गवर्नमेंट्स डीड फॉर लास्ट 6 decades हम जो कॉन्फिडेंस है अपना पाकिस्तान के अंदर, जो ओनरशिप है वो हम भूल चुके हैं। मुझे अगर आप गुजर रहे ना यहाँ से गुजर जाते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे कि जी मैं मोटर बाइक पे जा रहा हूँ और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि जी तुम ट्रैफिक लाइट क्रॉस नहीं करो, ये कानून के खिलाफ वर्जी है, मैं जानबूझकर
करो ट्रैफिक लाइट क्रॉस करो, इसलिए मैं रिबेलियस हो गया हूं ना, मैं गवर्नमेंट की बातें सुन सुनकर मैंने कहा मैं ये सोचूंगा कि गवर्नमेंट ने यार मेरे लिए पानी का इंतजाम किया नहीं है, मेरे बच्चों के लिए तालीम की नहीं है, मेरे बच्चों को दवाएं देती नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है। मैं एज अ पेरेंट जो है मैं फियरफुल हूं कि जी मेरा बच्चा जब मैट्रिक करके पीले स्कूल काले स्कूल से निकलेगा तो वो अपनी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने ग्रामर से या सिटी स्कूल से निकलेगा। तो मैं ये गवर्नमेंट फिर मुझे कह रही है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करो, तो मेरा बस तो रेड लाइट क्रॉस करने पे चलता है और मैं अपनी एंगर को शो करूंगा उधर अपनी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर। तो व्हाट एवर वी आर डूइंग हियर, मैंने अपने हमें अपने मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले हम वो लोग नहीं है कि ऑक्सफोर्ड और लंदन और अमेरिका से पढ़कर आकर यहां पर जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप का ये है। इस वजह से हम ये करना चाह रहे हैं कि लोगों में ये दें कि वी केयर फॉर यू, वी केयर फॉर यू। लेकिन क्लास और तालीम तो वो तो सियासी बात हुई, लेकिन जो बात मेरे दिल के करीब है वो ये है कि हाँ ये हमारे शहर है और हम सब इसी के शहर, लेकिन चाहे हम कहीं से आए कौन सोचेगा ये, हम ही को सोचते हैं ना, तो वही सोचेगा जिसका जिसका स्टेक होगा ना यहाँ पे। मैंने क्लास और तालीम की बात और पार्टी की बात इसलिए की कि वही सोचेगा जिसका ये शहर होगा। अब अगर 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 आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो मेरे घर पे भी भींगन आदमी पानी नहीं आ रहा होगा। अगर आपका आपको ट्रैफिक में जैम हो रहा हो तो मैं भी ट्रैफिक में जैम हो रहा हूँ ना, मेरे घर पे भी गटर उबल लूंगा अगर आपके घर पे गटर उबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं आम शहरियों शहरी को कि यार वी आर देयर फॉर यू, वी केयर फॉर यू, वी केयर फॉर यू व्हेन यू स्लीप, एब्सोल्युटली हम जागते हैं आपकी अगली सुबह को बेहतर बनाने के लिए। एंड दैट्स हाउ यू विल क्रिएट सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ ओनरशिप। जब ओन करने लगेंगे ना मैं और आप जी सारे लोग इस शहर को ओन करने लगेंगे तो आप ये सड़कें भी फिर जो है वो साफ रहेंगी। मैं तो 100% प्रपोर्ट इस बात का, अगर हम ओनरशिप ले लें, जिम्मेदारी ले लें कि मेरा है, फिर किस माई क्लास की हिम्मत आएगी। और वो ओनरशिप कैसे आएगी, ओनरशिप स्लोगन से नहीं आएगी, वो ओनरशिप आएगी कि आप लोगों को यह एहसास दिलाओ अपने प्रैग्मेटिक अप्रोच से, एक्शन से ये बताओ कि आप उसके लिए केयर कर रहे हो। और ये वो एक्शन है कि अगर आप यहाँ पे क्या करती है, फोन है इनके पास, यहाँ पे स्क्रीन है, ये क्या कर रही है, ये उन लोगों को कॉल करें जिन्होंने कंप्लेंट्स की है, उनको कॉल्स करके ये मालूम करें कि आया कि मेरे पास इनके पास ये शीट खुली हुई है कि ये इनकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई। अब ये काफी नहीं है कि इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे डिपार्टमेंट के लोगों की, ये उनको कॉल करके पूछते हैं। मैं यही पूछ रहा था क्या इवेंचुअल फॉलो थ्रू है, बताएं कि है। तो देखिए फिर तो ज्यादा आपका सिस्टम फेल हो गया सर, 1:46 पे कंप्लेंट की थी, इस पर 2:35 होने में मेरी रोड तब तक नहीं मिला, अब तक तो मेरी रोड बन जानी चाहिए थी, वैसे वो रोड इमेजिनरी, खुदा रहा उसको काट दीजिए। राइट सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। मुस्तफा कमाल साहब सिटी नाजिम कराची, उनके साथ ये हम कराची के वो हिस्से देख रहे हैं जो शायद आम तौर पे बेशतर शहरी और बेशतर बाहर से आने वाले लोग कभी नहीं देखते। हमारा मकसद ये दिखाना है आपको कि कराची और पाकिस्तान में बहुत उम्मीद है, दिल बर्दाश्ता ना हो। वक्त ख़त्म हो रहा है आज शब के लिए, ये सिलसिला भी चलता रहेगा इंशाल्लाह, कल हम आपको यहीं से आज शब के लिए इजाज़त दीजिए।